अज खन्ना स्मारक अमृतसर विच एक बुद्धजीवी सम्मेलन होया जिस विच विशेष तौर पर जिला के उप प्रधान अते केंद्रीय हल्के के इंचार्ज डॉक्टर राम चावला जी, जिला भाजपा महामंत्री सरदार सुखमिंदर सिंह पिंटू जी, जिला भाजपा अमृतसर के महामंत्री राकेश कंधारी, पंजाब भाजपा सूबा सकत्र राजेश हनी जी, साबका मेयर बख्शी राम अरोड़ा जी, जिला उप प्रधान हरविंदर संधु, जिला उप प्रधान कुमार अमित जी इस बुद्धजीवी सम्मेलन विच एडवोकेट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उद्योगपति अते होर अमृतसर दियां प्रमुख शख्सियतां ने भाग लिया। बुद्धजीवी सम्मेलन विच मुख मेहमान के तौर पर साबका चेयरमैन मनजीत सिंह राय जी अते जसविंदर सिंह ढिल्लों, एक्स प्रिंसीपल खालसा कॉलेज, एक्स VC काशी यूनिवर्सिटी मौजूद सन। इस बुद्धजीवी सम्मेलन विच भाजपा के प्रमुख कार्यकर्ता भी मौजूद सन। इंटलैक्चुअल मीट सी जिंदे विच साडे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्हों का एक थीम क्लीयर पॉलिटिक्स क्लीन एनर्जी, उन्होंने बारे जिहड़ा विचार उन्होंने दसे गए, उन्होंने किस तरह अपने बचपन तो लैके बड़े होने तक जवानी तक और किस तरह RSS के साथ जुड़े और किस तरह उन्होंने ऑर्गनाइजेशन 1985 कारपोरेशन दिया चोड़ा से आए नगर कौंसिल के चोड़ों में 1990-1995 गुजरात के इलेक्शन और उस तो बाद 2001 एज ए चीफ मिनिस्टर गुजरात किस तरह का डिवेलपमेंट का काम किया। लगभग 3 बार मुख्यमंत्री रहने तो बाद फिर प्राइम मिनिस्टर के नाते देश की बागवानी हरदम मचाई और 11 देशों ने उन्होंने अवार्ड के नाल सम्मानित किया, UN ने भी किया अलग अलग देशों में और जिस तरह दिया साडे देश ने मल्ला मारिया ने, चाहे वो आर्थिक अर्थ के इस वेले साडा देश UK जिहड़ा 250 साल काबिल सीगा अर्थव्यवस्था की 1991 उन्होंने पछाड़ते हुए 15 स्थान जिहड़ा अज तो 10 साल पहला असं 11वें स्थान पर सी उस स्थान को हासिल किया और इस तो अलावा देश में बुलंदियों तक पहुँचाने वास्ते देश की FDI और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस वेले साडे कोल बहुत वड्डे लैवल पर है, GDP बहुत अच्छे लैवल पर है, ये सारिया जन जन तक चाहे वह जन धन योजना के राही चाहे वह कला किसानों का किसान सम्मान निधि है क्योंकि ताकतवर किसान सफल किसान तो ये उन्होंने जरूरतमंद लोगों जिस तरह जरूरत उन्होंने तक पहुँचाइया ने जाने तो जहान के तहत जोड़ा सेहत के नाल काम किए सेहत के बारे काम किए हैं और इस तो अलावा अर्थव्यवस्था जिन्ना सुधार किया है और नारी शक्ति देसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत नारी शक्ति के लिए बहुत बड़े उपराले किए हैं और जो इतिहासिक फैसले किए हैं चाहे वह श्री राम मंदिर जी को बनाने बारे चाहे 370 धारा खत्म करने बारे चाहे 3 तलाक के उपर इस तरह के और साहिब श्री गोबिंद सिंह जी के बच्चे बाबा जोरावर सिंह बाबा फतह सिंह ने जरा 26 दिसंबर में उन्होंने समर्पित वीरबाग दिवस मना और सारे गुरुआं दिया शताब्दियां मना चाहे श्री गुरु नानक पातशाह की 550वें साल की शताब्दी हो जी एक साल मनाई गई और वर्ल्ड लैवल पर मनाई गई वर्ल्डवाइड मनाई गई और इस तुम अलावा श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जन्मदिन 355वां जन्मदिन मनाया गया 400 साल प्रकाश दिवस गुरु उन्होंने हर रैंक के हर वर्ग लिए हर वास्ते जिहड़ा बहुत बड़ा उपराला किया है देश के वर्ल्डवाइड इस वेले ग्लोबल लीडर ने और विदेशों के लोग चाहत रखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी वर्गा साढ़े देश का प्रधानमंत्री भी होवे। तुसीं वेखो किन्ना साडे नाल ईर्खा करते पाकिस्तान वाले वो भी अज मोदी जी दीआं तारीफां कर रहे हैं ना चाहुंदे होए भी तारीफां कर रहे हैं। सो इस करके साढ़े देश के प्रधानमंत्री आने वाले समय से साढ़े इस देश को जिहड़ा 5वीं इकोनॉमी बनाने तो बाद 2047 दे विच ये विश्व गुरु वल वध रहा है। तो इन्हां असीं अज दे इस प्रोग्राम विच सारियां गल्लां बातां कीतियां ने और बहुत वधिया जिहड़ा साडा इंटरेक्शन मीट हुई है। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।